तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजराती फेमस काठियावाड़ी डिश जो बाजरे की रोटी से बनती है और ठंडी की सीज़न में ये डिश खाना लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो एक वर्ज़न हम बनाएंगे करी के साथ यानी कि ग्रेवी के साथ और दूसरा वर्ज़न है वो मसाले के साथ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ग्रेवी वाला काठियावाड़ी रोटला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाजरे की रोटी यानी कि बाजरे का रोटला। ये रोटी हमें ठंडी ही लेनी है। मैंने ये बाजरे की रोटी यानी कि रोटला सुबह बनाकर रखा था। कई जगह पर ये गरम गरम रोटी से यानी कि गरम गरम रोटले से भी ये डिश बनाते हैं। तो ये बाजरे की रोटी यानी कि रोटले के हमें बड़े बड़े टुकड़े करने हैं। इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, बड़े बड़े टुकड़े ही हमें रखने हैं ताकि ये जब ग्रेवी में हम ऐड करें तो वो एकदम सौगी ना हो जाए, ये बात का ध्यान रहे। अब एक हम लेंगे हमाम दस्ता और उसमें हम 6 से 7 कली लहसुन की लेंगे। इस डिश में लहसुन थोड़ा ज़्यादा लगता है और साथ ही में हम 1 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं। आप चाहो तो इसे मिक्सर जार में ये चटनी पीस सकते हो, मगर ये काठियावाड़ी लहसुन की चटनी इस तरह से कूट कर ही अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हो कि मैंने लहसुन और लाल मिर्च पाउडर की चटनी यानी कि काठियावाड़ी चटनी अच्छे से कूट ली है। कितना बढ़िया कलर आया है ये काठियावाड़ी लहसुन की चटनी का, है ना। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 3 टेबलस्पून जितना तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होते ही उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितनी राई। राई चटकते ही उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना जीरा, 1 टीस्पून जितना सफ़ेद तिल, 1 चुटकी जितनी हींग, 6 से 7 करी पत्ते और 1 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, और इन सारी चीज़ों को हम तेल में अच्छे से 1 मिनट तक सौते कर लेते हैं। इस डिश में तेल की मात्रा और लहसुन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है तो ही ये डिश अच्छी बनती है। अब हमने जो लहसुन की चटनी बनाकर रखी थी ना वो सारी हम इसमें ऐड कर देंगे और चटनी को भी हम तड़के में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि लहसुन की चटनी भी अच्छे से सौती हो गई है। अब हम उसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ 1/2 कप जितना हरी प्याज का जो आगे का वाइट वाला हिस्सा होता है ना वो, और उसे भी हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। तो प्याज हमारी अच्छे से सौते हो गई है और 1 मिनट जितना समय हो गया है। अब हम उसमें करेंगे थोड़े से मसाले। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इन सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से तेल में सौते कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मसाले तेल में अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चॉप किया हुआ टमाटर और 1 कप चॉप की हुई हरी प्याज के पत्ते। साथ ही में हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से कुक हो जाए। टमाटर और हरी प्याज के पत्ते को हमें 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेना है। अब हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से कुक हो जाए और सारे मसाले भी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हो कि टमाटर हमारे अच्छे से कुक हुए हैं और मसाले में से तेल भी रिलीज होने लगा है। दैट मीन्स कि हमारी ग्रेवी एकदम परफेक्ट है। अब इस स्टेज पर हम 1 कप जितनी थोड़ी सी खट्टी छाछ ऐड करेंगे और ग्रेवी में छाछ डालते ही कंटिन्यू हमें इस तरह से स्टर करते जाना है ताकि छाछ तड़के में जाते ही वो फटे नहीं। तो आप देख सकते हो कि छाछ ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और उसमें से भी ऑयल रिलीज होने लगा है। अब हमने जो बाजरे के रोटले के टुकड़े किए थे ना वो सारे रोटले के टुकड़े इस उबलती हुई छाछ में हम ऐड कर लेते हैं। अब सारे रोटले के टुकड़े छाछ में ऐड करने के बाद उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए। अब कढ़ाई को कवर करके हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे हम कुक होने देते हैं। तो 4 मिनट हो गई है और मैंने बीच बीच में उसे चेक भी किया था और आप देख सकते हो कि काठियावाड़ी ग्रेवी वाला वघारेलो रोटलो बनकर
रेडी है। आपको अगर छाछ कम लगे तो थोड़ी सी उसमें और ऐड कर सकते हो। अब थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ धनिया ऐड करेंगे। धनिया आप अपनी श्रद्धा अनुसार से ऐड कीजिएगा। तो रेडी है हमारा वघारेलो रोटलो। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी, सिर्फ 10 मिनट में ये डिश आप बना सकते हो। आप इसे नाश्ते में या फिर डिनर में सर्व कर सकते हो। अब हम बनाएंगे वघारेलो मसाला रोटलो। उसके लिए भी मैंने यहाँ पर लिया है एक बाजरे की रोटी, यानी कि बाजरे का रोटला। ये रोटला भी मैंने सुबह बना कर रखा था, तो ये रोटला भी हमें ठंडा ही यूज़ करना है और उसके हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने रोटले के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम उसमें ऐड करने वाली पेस्ट यानी कि ग्रीन चटनी बना लेते हैं। उसके लिए हम आम दस्ते में आधा कप जितना हरा लहसुन का जो वाइट वाला हिस्सा होता है ना, उसे चॉप करके ऐड करेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कूट लेते हैं। हरी मिर्च यानी कि तीखापन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो रेडी है हमारी कूटी हुई हरी पेस्ट। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम 3 टेबलस्पून जितना तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होते ही उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितनी राई और राई चटकते ही उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना जीरा, 1 चुटकी हींग और 1.5 टेबलस्पून जितना सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। साथ ही में 5 से 7 करी पत्ते ऐड करेंगे और तड़के को हम अच्छी तरह से सौते कर लेते हैं। अगर आपको सफ़ेद तिल कम पसंद हो तो आप तिल की मात्रा कम भी कर सकते हो। अब हम उसमें ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और हमने जो हरी कुटी हुई पेस्ट बनाकर रखी थी ना, वो सारी पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेते हैं और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से सौते कर लेते हैं ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। 1 चुटकी जितना हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और इन सारे मसाले को हम अच्छी तरह से तड़के में फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। मसाले ऐड करने के बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं ना, वो जले नहीं और तड़के को हम पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर कर लेते हैं और आप देख सकते हो कि तड़के में पानी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और वो थोड़ा उबलने भी लगा है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कटा हुआ टमाटर और साथ ही में 1 कप जितना चॉप किया हुआ हरे लहसुन के पत्ते ऐड करेंगे। साथ ही में हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक डालने से टमाटर है वो फटाफट से कुक हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि सारे मसाले और टमाटर अच्छे से एक ग्रेवी जैसे फॉर्म में आ गए हैं। अब हम उसमें बाजरे की रोटी के जो हमने टुकड़े किए थे ना, वो सारे टुकड़े हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो सारे बाजरे के रोटले के टुकड़े मैंने मसाले में ऐड कर लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बाजरे के रोटले के टुकड़े मिक्स हो जाने के बाद ये थोड़ा सा अभी भी मुझे ड्राई लग रहा है, तो उसमें हम थोड़ा सा हाथों में इस तरह से पानी लेंगे और इस तरह से हम स्प्रिंकल कर लेते हैं, ये देखिए। और 1 चुटकी जितनी हम चीनी ऐड कर लेते हैं। शुगर टोटली ऑप्शनल है, मगर चीनी डालने से उसका टेस्ट बैलेंस रहता है। तो कवर करके 2 से 3 मिनट तक हम इसे कुक होने देते हैं। तो 3 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हो कि वघारेलो मसाला रोटलो बनकर रेडी है। अब उस पर हम फ्रेश बारीक कट किया हुआ धनिया ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। धनिया आप अपनी श्रद्धा अनुसार से ऐड कीजिएगा। तो रेडी है हमारा वघारेलो मसाला रोटलो। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये वघारेलो मसाला रोटलो ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के नाश्ते में आप इसे सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। एकदम ढाबा स्टाइल काठियावाड़ी वघारेलो रोटलो, ग्रेवी वाला और वघारेलो मसाला वाला रोटला, ये दोनों ही रेसिपी आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना, सभी को बहुत ही पसंद आएगी।
अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।